तो ये अपनी लेटर सीरीज की दूसरी क्लास है। कल जो क्लास हुई थी उनमें बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी और वो क्लास रिकॉर्डेड भी पड़ी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो इसमें रिकॉर्डिंग्स में जाके। तो आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना क्या, डैश बी ए सी डैश ए सी डैश ए सी बी डैश 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 बी ए, ये है ठीक है। और इसके चार ऑप्शन हैं आपके सामने, डबल ए सॉरी सी डबल बी ए सी, दूसरा ऑप्शन है ए डबल बी ए सी, तीसरा ऑप्शन है सी ए डबल बी सी, और चौथा ऑप्शन आपके सामने ए डबल सी बी डबल बी, ये चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। कौन सा ऑप्शन है इसका जवाब वो आपको देना है। करो देखे जल्दी। पहला ऑप्शन करेक्ट है, सबके आ गया क्या भाई पहला। देखिए दोस्तों यहां पर पहले तो आप देखिए कितने आंकड़े हैं, यहां पर कितने अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बन रहे, 15 के जोड़े कितने कितने बन सकते हैं, या तो 3 के या 5 के। यदि हम 3 3 का देखें तो देखिए ये 3 3 3 3 और ये 3, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों इसका देखो लास्ट वाला ए आ रहा है, इसका लास्ट ए आ रहा है, इसका लास्ट ए आ रहा है, इसका लास्ट ए आ रहा है, ठीक है ना। सबका लास्ट आपको ए दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां भी ए आएगा, ठीक है ना। तो ए आ गया। अब इनमें देख लो एक ग्रुप पूरा हो गया क्या, सी बी ए, और यहां भी देखोगे आप सी बी ए बन सकता है, यहां भी सी बी ए बन सकता है, यहां भी सी बी ए बन सकता है, यहां भी सी बी ए। तो यहां जो जगह खाली है वहां पर क्या कर दो, यहां सी आ गया, ये सी बी ए, ये हो गया सी बी ए और ये हो गया सी बी ए। बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सेकंडों में काम हो जाएगा आपका। तो देखो पहला सी सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी, पहला ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आ गई क्या सभी के।
अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यहां पर आपके लिए, ए डैश सी डी डबल ए बी डैश डबल सी डैश डी डबल ए बी डैश डबल सी डैश डी डबल ए, ये है क्वेश्चन और इसके ऑप्शन है बीडी बीडी ए और दूसरा ऑप्शन है बी डबल डी सी ए, तीसरा ऑप्शन है डी डबल बी सी ए और चौथा ऑप्शन है डबल बी डी ए सी। ये क्वेश्चन करो देखे, निकालो भाई आंसर जल्दी से। विकास मान एक पहला ऑप्शन आ रहा है, मतलब करो भाई कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी का ए ऑप्शन आ रहा आपका तो है, क्या सही आ रहा है? कर लेते हैं जांच। देखिए दोस्तों समझना ध्यान से, पहली बात तो यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, मतलब जोड़े वाला तो काम नहीं बैठेगा, ठीक है।
अब एक बार आप देखिए, कहीं ये से हो सकता है क्या, ए बी सी डी, फिर आपको दिख रहा है वो डबल ए, ठीक है, फिर यदि इसको मैं डबल बी बना दूं, डबल सी बना दूं, ठीक है, और ये डबल डी हो गया, फिर देखो डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है ना, डबल डी फिर डबल ए, इस तरीके से समझ में आ रही मेरी बात। देखो यहां पर क्या हो गया, ए बी सी डी मतलब बी, बी तो सब में आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया आपका, यहां भी आ गया। उसके बाद देखो डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, मतलब डबल बार आ रहा है, ठीक है ना, सीरीज कैसे भी बन सकती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में बनती है अल्फाबेट सीरीज, तो उस हिसाब से कहीं भी कैसी भी बन सकती है, ठीक है ना। डबल ए डबल बी मतलब दूसरा बी, अब दूसरा बी कौन से में आ रहा है भाई, दूसरा बी आपको यहां तो नजर आ नहीं रहा पहले में तो, और दूसरे में भी नजर नहीं आ रहा, तो दूसरा बी कहां नजर आ रहा है, चौथे ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखो बी आ गया, डबल बी डबल सी डबल डी, डबल ए डबल बी डबल सी और डबल डी, फिर वापस डबल ए, मतलब इस तरीके से सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है ना। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, तो यहां पर पहला ऑप्शन नहीं बल्कि चौथा ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई है क्या मित्रों, यस और नो? लास्ट में तो सी है सर, आपने डी लगा दिया, हैं? फोर्थ वाले में तो सी लगा हुआ है, आपने डी लगा रखा वहां पर। लास्ट वाले में ऑप्शन में तो ए सी दे रखा है लास्ट में, इसलिए तो कंफ्यूज हुए। एक मिनट एक मिनट, अरे यार मैंने इस सीरीज ही गड़बड़ कर दी क्या, ये मैंने सीरीज ही पूरी नहीं छापी, ये छोड़ दी मैंने थोड़ी सी और। ये सीरीज आगे हो रहा भाई थोड़ी सी, कि डी डबल ए के बाद डेस है, डबल बी आ गया, उसके बाद ये डी आ गया, ऐसे कैसे हो गया रे। एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी है। यहां पर क्वेश्चन ये है, ए डैश सी डी डबल ए बी डैश डबल सी डैश डी डबल ए बी डैश डबल सी डैश डी डबल ए, उसके बाद डैश ट्रिपल बी, उसके बाद डैश डबल सी ट्रिपल डी, ये ट्रिपल डी है भाई यहां पर, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन दे देता हूं आपको, पहला ऑप्शन है बी डी बी डी ए, दूसरा ऑप्शन है बी डबल डी सी ए, तीसरा ऑप्शन है डी डबल बी सी ए, और चौथा ऑप्शन है डबल बी डी ए सी। ये ए सी की जगह है
ऑप्शन ही सवाल ही गलत बना रखा है भाई इसने, सवाल में गड़बड़ कर रखी है। ऑप्शन तो उस ऑप्शन में आने कितने चाहिए, तीन दो पांच है, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह सात आने चाहिए ऑप्शन में, यहाँ पर पांच ही कर रखे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ये रहने दो। ऑप्शन है भाई आपके सामने, ये सवाल बुक में दिया हुआ था, इसके ऑप्शन जो है वो सही तरीके से बिठा नहीं रखे थे, ठीक है ना, ऑप्शन बना दिया मैंने। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जल्दी करो, देखे तरन्नुम सी ऑप्शन, लव कुमार सी ऑप्शन, विमल जैन जी का भी सी ऑप्शन, सुनील गोस्वामी का सी ऑप्शन, इसका मतलब दिमाग की बत्ती जल गई है ना। देखिए दोस्तों आप यहां देख पा रहे हो एबीसीडी, यहां भी एबीसीडी नजर आ रहा है, यहां भी एबीसीडी नजर आ रहा है, यहां भी एबीसीडी नजर आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, देखो ये यहां पर एबीसीडी है, ठीक है, लेकिन यहां पर ए जो है वो दो बार आया है, बी दो बार, सी दो बार, डी दो बार, मतलब यहां बी आ गया, यहां डी आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस चले आप तो यहां दो बार ए है, दो बार ही सी दिख रहा है, इसका मतलब बी भी दो बार आएगा और डी भी दो बार आएगा। उसके बाद आपने देखा कि ए यहां पर पता नहीं कितनी बार, लेकिन बी तीन बार है और डी भी तीन बार है, इसका मतलब ए भी तीन बार होगा, बी तीन बार और सी भी तीन बार और डी तीन बार, इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है इसको, बी बी डी बी, बी बी कट गया, बी बी डी कट गया, बी बी डी बी, बी बी डी डी, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, एक मिनट। मिलान कर लो दोस्तों, एक मिनट आ रहा हूं मैं ना। हाँ तो दोस्तों समझ में आ गया क्या सौदा ये वाला, चले अगले क्वेश्चन की ओर। ओके अगला सवाल है आपके लिए गुड गुड वाला,
देखिए दोस्तों, सवाल ये है, a डैश a डैश डबल b a डबल डैश ट्रिपल b ट्रिपल a डैश b डैश डबल b, ये है ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। पहला ऑप्शन b a डबल a a b, दूसरा ऑप्शन है b a b डबल a b, तीसरा ऑप्शन है a डबल b a a b। और चौथा ऑप्शन आपका b डबल a b a b। ये चार ऑप्शन है, करो देखे जल्दी से। विमल जैन जी का पहला आंसर है किरण बेरवा का पहला ऑप्शन, सभी का ये ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब सौदा दिमाग में बैठ तो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को हम। देखो यहां पर क्या है, आपका ए है, उसके बाद खाली स्थान, फिर ए है। अब पहले तो अक्षर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 का मतलब या तो आपका चार चार का जोड़ा बन सकता है या पांच पांच का बन सकता है। यदि दोस्तों आप यहाँ चार चार को देखते हो तो देखो 1 2 3 4, और इनको देखते हो 1 2 3 4, ठीक है, फिर देखते हो ये चार, फिर देखते हो ये चार और ये चार। अब इनमें आपको क्या विशेष कोई नजर आ रहा है, जैसे इसका पहला अक्षर ए है, फिर आप देखते हैं इसका पहला अक्षर बी है, अब इसका पता नहीं, इसका ए है लेकिन यहाँ ट्रिपल ए आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ ट्रिपल बी आ रहा है,
तो यहां पर देखो तीन चार चार वाली कोई सीरीज का यहां पर विशेष रूल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहां पर ये मामला नहीं दिखे आपको तो आप यहां पर एक चीज सोचिए। आप देखो क्या है, तीन बार यहां पर बी आ रहा है, यहां तीन बार ए आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि दो बार ए आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर सीरीज जो है वो रिपीट, मतलब एक सीरीज जो डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है इस तरीके से। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक के बाद यदि यहां मैं इनमें ऑप्शन में से जैसे मान लो पहला ऑप्शन बिठाता हूं, यहां बी बिठाया, ए बी, उसके बाद मैं ए के बाद वापस ए बिठाया तो ये डबल ए बन गया। डबल ए के बाद में देखो वापस डबल बी आ गया। अब डबल बी के बाद आप डायरेक्ट देख रहे हो क्या आ रहा है, ट्रिपल बी आ रहा है। डबल बी के बाद क्या आ रहा है, ट्रिपल बी आ रहा है। इसका मतलब देखो यहां आपने देखा एक बार ए था, एक बार बी, डबल बार ए, डबल बार बी। अब ट्रिपल बार ए तो ट्रिपल बार बी, यानी यहां पर क्या आना चाहिए, ए। फिर आप देखो कि तीन बार हुआ ए, तीन बार बी, तो यहां चार बार ए होना चाहिए, ये चार बार ए और ये चार बार बी। जो ऑप्शन यहां दिख रहा है वही आपका आंसर है। कौन सा है भाई, देखो बी ए डबल ए, बी ए डबल ए, उसके बाद आपका है ए बी, बी बी ए डबल ए बी, पहला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए कुछ और सवाल लेते हैं यहां पर। देखो सवाल ये है दोस्तों, ए डैश बी डबल ए डैश डबल बी, ए डैश डैश ट्रिपल बी डैश ट्रिपल ए। ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, बी ए ए बी ए, एक दो तीन चार पांच। दूसरा ऑप्शन है बी बी ए बी ए, तीसरा ऑप्शन है बी 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 ए बी, और चौथा ऑप्शन है बी बी ए ए बी। ये चार ऑप्शन है मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिए, देखे कितना सुपर फास्ट हो आप लोग। तो यहां पर जो सीरीज जो चल रही है वो किस आधार पे चल रही है, सीरीज का क्रम जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। सीरीज यानी आरोही क्रम, पहले एक आ रहा है, उसके बाद दो दो आ रहे हैं, फिर तीन तीन आ रहे हैं, फिर चार चार आ रहे हैं। इस बेस के क्वेश्चन में ले रहा हूं, पहले ग्रुपिंग वाला चल रहा था, है तो यहां भी ग्रुपिंग, लेकिन पहले जो है जैसे चार चार के जोड़े में चल रहा था, पांच पांच के जोड़े में चल रहा था, तो इस तरीके से बन रहा था आपका। और पहले तो आपको वही देखना हमेशा। बी ऑप्शन आ रहा है सबका,
वेरी गुड, देख लो बाकी तो आप जैसे ऑप्शन से पटकते हो। यहां पर मान लो पहला ऑप्शन रखा आपने, यहां बी रख दिया, यहां ए रख दिया, फिर ए रखा और उसके बाद बी, फिर ए रखा। अब इससे क्या मिल रहा है आपको, देखो ए बी ये तो ठीक है, उसके ए डबल बी आ गया, उसके बाद ट्रिपल ए बी आ गया, यहां ट्रिपल ए और चार टाइम बी आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, चार टाइम ए आ रहा है। देखो यहां पर क्या हुआ, ए के बाद डबल बी आया है, तो इसका मतलब ए के बाद डबल बी आया है। अब डबल ए के बाद क्या आना चाहिए, ट्रिपल बी आना चाहिए, ना कि ट्रिपल ए के बाद डबल बी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ए सिंगल है और बी डबल है। यहां पर ए डबल है तो बी ट्रिपल होना चाहिए, यहां पर ए ट्रिपल है तो बी चार टाइम होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वाला सौदा तो आपका पहला तो नहीं बैठेगा। अब बात करो दूसरे ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन रखो, देखो बी बी ए बी ए, अब आपका मामला बैठ जाएगा। देखो ए के बाद डबल बी, डबल ए के बाद ट्रिपल बी, ट्रिपल ए के बाद चार टाइम बी, अब चार टाइम ए आया तो फिर पांच टाइम बी आएगा, आगे का नहीं दिया अगले ने कोई बात नहीं, क्यों सीरीज बढ़ती जा रही है। यहां पर ये सीरीज का क्या चल रहा है, आरोही क्रम चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये वाली बात शायद समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं अपन साइक्लिक क्रम की ओर, कौन सा साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब जैसे पहले ए आ गया तो उसके बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद वापस ए आएगा, फिर बी एक ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्रम देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, ए डैश सी डैश सी ए, सी डैश बी डैश बी सी डैश सी ए, ये है ऑप्शन दे देता हूं, बी बी ए बी बी, दूसरा ऑप्शन है बी बी ए ए बी, तीसरा ऑप्शन है बी बी ए सी बी, और चौथा ऑप्शन है बी बी ए बी सी। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, करो देखिए जल्दी से। सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कर दोगे क्वेश्चन, सेकंडों में आ रहे हैं आपके तो, हैं भला हो गया, इसका मतलब दिमाग की बत्ती जल गई। देखिए दोस्तों पहले अपन ग्रुप देखते हैं यहां पर, तो देखो ए बी सॉरी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह का मतलब या तो तीन के टुकड़े बनेंगे या पांच का बनेगा, तीन तीन का ग्रुप या पांच का ग्रुप। यदि दोस्तों अपन तीन का ग्रुप बनाते हैं, ये तीन
फिर ये तीन, फिर तीन, ये तीन और ये आगे वाले तीन, ठीक है। यदि दोस्तों यहां पर आप बी रख दो तो देखो ए बी सी, अब यहां सी ए आ रहा है तो इसका मतलब बी हो सकता है बी सी ए। देखो यहां पर पहले ए आया, उसके बाद बी आया, बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर वापस बी आएगा, ऐसे बढ़ेगा ना। तो आपने देखा ए बी सी, फिर आ गया बी सी ए, फिर आ गया सी ए बी, फिर आ गया सी ए बी, सी के बाद कौन आता वापस ए, ए बी सी, उसके बाद में ए के बाद वापस बी आ गया, तो बी सी ए। कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा भाई यहां पर, ये दूसरा ऑप्शन था। देखो बी बी उसके बाद ए ए बी, बी बी ए ए बी, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, क्वेश्चन ये है दोस्तों ए बी डैश डी बी सी डैश ए सी डैश ए बी डैश डैश बी सी, ऑप्शन है सी डी ए ए डी, दूसरा है सी डी डी ए डी, तीसरा है सी डी 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 ए, चौथा है सी डी ए ए डी, बताओ देखे जल्दी से क्या बात है विमल जैन। विमल जैन, विकास मान, तरन्नुम, यही होना चाहिए भाई। इस तरीके से यदि एग्जाम में आप आंसर दोगे ना मेरे दोस्त, तो कोई माइका लाल आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये समझो ये टॉपिक कंप्लीट मानो, आप प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आ गया सबका, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या मिल रहा है, पहले से आप पहले देखो चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह अक्षर है, सोलह का मतलब चार का ग्रुप बनने वाला है। सोलह का तो हमेशा 99.9% चांस होते हैं, जिसमें सोलह आंकड़े होते हैं ना, सोलह लेटर होते हैं, उसमें चार की ही ग्रुपिंग होती है, ये विशेष याद रख लेना चाहिए आप, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों बात करें अपन, देखो ए बी सी डी, उसके बाद ये देखो बी सी, बी सी, उस सी के बाद कौन आता है डी, बी सी डी ए, उसके बाद सी के बाद है डी, सी डी ए बी, उसके बाद यहां बी सी आ रहा है। तो आपने देखा कि यह सी से शुरू, देखो ये ए से शुरू हो रहा था और ये बी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये किससे शुरू होना चाहिए भाई, डी से। तो डी, डी के बाद कौन आता है ए, फिर बी सी, डी ए बी सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिखा रहा भाई, सी सी डी 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 ए, सी डी 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 ए, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे मेरी बात समझ में। अब दोस्तों देखो एक सीरीज किससे रिलेटेड बन सकती है, यहां पर एक सीरीज देखो मिरर जो होता है ना, मिरर दर्पण, उस पे उससे संबंधित बन सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि मान लो ए बी सी डी लिख दिया यहाँ पर, ए बी सी डी, और इसका मिरर बना दिया। मिरर का मतलब इसके मतलब हमेशा मिरर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पर आधा पार्ट इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसके यहाँ मिरर लगा दे तो क्या बनेगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वैसे मिरर नहीं लगा रहा हूं मैं,
मिरर का मतलब ये है कि जो अक्सर इस तरीके से ना वो इस तरीके से हो जाए, वैसे मिरर नहीं लगा रहा हूं कि डी ए से है सर, मिरर में देखेंगे तो ये डी इधर घूम जाएगा, इस तरीके से बनेगा, वो नहीं बता रहा मैं, मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं, बल्कि ये बता रहा हूं कि मिरर में जैसे उल्टे दिखते हैं ना उस तरीके से इसका मिरर में डाल दिया जाए और अक्सर वैसे के वैसे, तो ये पहले डी आ जाए फिर सी फिर बी फिर ए, तो इस तरीके से सीरीज बन गई। या फिर मान लो कोई भी सीरीज बना दी यहाँ पर, जैसे आपको दिख गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी इस तरीके से, और इसका इधर मिरर बना दिया तो सी बी ए सी बी ए सी बी ए, अब ये मतलब इस तरीके से सीरीज दी थी, यहाँ कहीं खाली स्थान छोड़ दिया आपको और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मैं कुछ सीरीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में बन सकती है आपके, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो सीरीज ऐसे बन गई ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी, ये इधर बन गई और इसका उधर पार्ट बना दिया क्या सी डबल बी ए सी डबल बी ए सी डबल बी ए, मतलब इस तरीके से आपकी सीरीज बना दी, ठीक है ना। फिर बात करूं या ऐसी कोई बड़ी सीरीज होती है जैसे 24 अक्षर है या फिर 32 अक्षर है, तो उनमें क्या है कि आपके मिरर सीरीज का ज्यादातर चांसेस होते हैं मिरर वाले के, ठीक है ना। वहीं पे जैसे मैं बात करूं यहां आ गया आपका ए, उसके बाद आ गया ए बी, उसके बाद आ गया ए बी सी, उसके बाद आ गया ए बी सी डी, समझ रहे हो ना। ए के बाद ए बी ए बी सी ए बी सी डी, अब वापस इसका उल्टा बना दिया क्या डी सी बी ए फिर सी बी ए उसके बाद बी ए और उसके बाद ए, ये सीरीज बना दी दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी कोई भी सीरीज बन सकती है, ठीक है ना। और जो सीरीज मैंने आपको करवाई है वो की वो भी यहां बन सकती है, जैसे नॉर्मली ये भी बन सकती है, जरूरी नहीं ऐसे ए बी ए बी बने। मान लो ऐसे आ गया ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी आ गया, वापस उल्टा करे सी बी ए जेड वाई एक्स, उसके बाद सी बी ए, इस तरीके से भी बना सकता है। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर छाप लीजिए। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? दिमाग में भी ले लेना। अब देखो एक आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं इस बेस पर, ठीक है ना, मिरर वाले पे। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त पी एस क्यू डेस पी आर डेस एस पी डेस आर डबल एस आर क्यू डेस एस क्यू आर, उसके बाद डेस आर क्यू एस पी, ऑप्शन दे रहा हूं क्यू डबल आर क्यू पी, दूसरा ऑप्शन आपका आर डबल क्यू पी पी, तीसरा ऑप्शन है डबल आर डबल क्यू पी, और चौथा ऑप्शन है डबल क्यू आर पी एस, ये चार ऑप्शन है। मिरर में ये ध्यान रखना
कि जो मिरर वाला बनेगा उसमें जो पहला ग्रुप होगा उसका लास्ट का अक्षर और दूसरे ग्रुप का फर्स्ट अक्षर, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये ध्यान रखना, तभी मिरर वाला क्वेश्चन बन सकता है। आ गया भाई दूसरा ऑप्शन विमल जैन जी के। तरन्नुम का बी ऑप्शन, वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड, मतलब जमादे शुभकामना, बात यह है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है इसका मतलब मिरर में 12 इधर होंगे 12 इधर होंगे, तो वो 12 का आपका आपको पता लग जाएगा कि कहाँ होगा, जहां पर दो बार एक अक्षर सेम दिख रहा है आपको, देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है डबल एस दिख रहा है ना, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले तो आप ना इतनी सीरीज को ही देखो, आपने देखा पी एस क्यू, यहाँ पी आर, तो देखो पी एस क्यू, उसके बाद ये दो तीनों अलग अलग अक्षर दिख रहे हैं, इसका मतलब चौथा अक्षर भी अलग दिखेगा आपको, तो यहाँ क्या हो गया आर, पी एस क्यू आर, फिर आपने देखा पी आर एस आ रहा है यहाँ पर, देखो पी आर एस, तो क्या बच गया यहाँ पर पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, फिर आपने देखा ये इसमें पी आर एस है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, पी क्यू आर एस। हुआ क्या है दोस्तों, देखो पहला अक्षर तो पी लिया है, उसके बाद में क्या अक्षरों को चेंज कर दिया, पहले यहाँ एस आ गया, उसके बाद आर दे दिया, उसके बाद क्यू दे दिया, मतलब अक्षरों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर देखो ये क्या आ रहा है, देखो एस आर क्यू, जैसे ये चल रही है ना इधर एस आर क्यू, तो यहाँ क्या आना चाहिए पी, ठीक है ना। और ऐसे ये सीरीज है ना, इसमें जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से मिरर वाली बात ही कहो, यहाँ बिना मिरर भी देखें तो भी बन जाता है, एस आर क्यू पी, उसके बाद आपने देखा एस क्यू आर बच गया, क्या क्या बच गया भाई, पी, यहाँ आर क्यू एस पी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन रही है, और आप देख ही सकते हो कि सेम जो इधर ये का है रिपीट हो रहा है, तो आप मिरर से देख सकते हो, बिना मिरर देखो तो भी आपका मामला बैठे जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा भाई, आर क्यू क्यू पी, आर क्यू नहीं है, आर क्यू क्यू पी, उसके बाद क्या लास्ट वाला भी पी, तो मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सौदा बैठ गया दिमाग में या नहीं। अब दोस्तों एक प्रश्न बनता है आपका शब्दकोश से रिलेटेड, ठीक है ना, किससे रिलेटेड बनता है, शब्दकोश से, तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा दूंगा आप लोगों को। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोई चार पांच शब्द दे दे आपको, और उन शब्दों को क्या कर दे कि भाई इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन के माध्यम से बात करता हूं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा आगे गहराई में, आपके एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करवा दूं, ठीक है ना, बाकी ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज है। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो पहला पहला वर्ड दे दिया आपको क्या,
CRUISE क्रूइज। दूसरा दे दिया यहां पर आपको क्रपर। अब इनका अर्थ मुझे भी पता नहीं है, कोई इंग्लिश के मास्टर से पूछ लेना भाई, ठीक है ना। तीसरा है बचत, सॉरी क्रूसेड। और चौथा है क्रूड। और पांचवा है क्रम। और अब इनका ऑप्शन दे दिए कि भाई कौन सा पहले आएगा। पहला ऑप्शन है डी के बाद ई सी ए बी। दूसरा है डी ए ई बी सी। तीसरा है डी ए सी बी ई। और चौथा है मेरे दोस्त डी ए ई सी बी, ठीक है ना। ये है मेरे दोस्त, कल एक चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि कोई वर्ड दे दिया जाए बड़ा सारा, और उस वर्ड में से जो अक्षर है उनको लेकर कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको करते हैं पहले तो अपन, अपनी आगे वाली क्लास का भी टाइम हो चुका है तो जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले आप पहले अक्षर को देखोगे तो पहला अक्षर देखो सब में सेम है, सी सी सब में सेम है तो इसको देखो ही मत। उसके बाद दूसरा देखोगे आर है, आर आर भी सब में है। तीसरा यहाँ पर यू है, सब में यू है। दोस्तों देखो तीन अक्षर तो सबके ही छोड़ दो, यहाँ पर तीन अक्षर सबके ही छोड़ दो। उसके बाद देखो इसका आई है, इसका पी है, इसका एस है, इसका डी है, इसका एम है, लग गया पता। यू मान लो आपका काम हो गया। देखो रे भाई यहां पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है। देखो इनके अक्षरों के क्रम लिख दो, आई 9 नंबर पे, ठीक है, पी आता है 16 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, और डी आता है 4 नंबर पे, और एस आता है 19 नंबर पे। अब इनमें जो पहले आए ना उसको लिख दो, पहले कौन सा आया भाई, पहले आता है 4, 4 मतलब डी आ गया, पहला डी सब में दिख रहा है, पहले आएगा देखो डी। डी के बाद 4 के बाद कौन आता भाई, 9 मतलब ए आ गया। उसके बाद 9 के बाद 16 आएगा या 19 आएगी, 16 आएगा तो मतलब बी आ गया। उसके बाद कौन आ गया, सी आ गया, उसके बाद डी आ गया। मतलब इतना आसान है जिसकी हद नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन बेटर है भाई, डी ए बी, डी ए बी कौन से नहीं आ रही है सर, ये एम है ना, एम 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 पे मार्क लगाओ, आपने यू पर लगा दिया, आपने यू पर लगा दिया। अच्छा ये देखो भाई, एम आ गया, एम से मतलब क्या, माइक कर दीजिए आप लोग। देखो अब बेटर ये सोचता, देखो पहला आ गया डी, डी के बाद, डी के बाद कौन होता भाई, यहाँ पर ई आएगा ए, उसके बाद 9 के बाद 13 आएगा मतलब ई आएगा। मैं सोचता यार ऐसे कैसे हो गया, ऑप्शन तो सारे है ही नहीं इसमें किसी में। उसके बाद आ गया 13 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा मतलब बी आ गया। उसके बाद आ गया डी, सॉरी सी, ये कौन से में आ रहा, डी ए ई बी सी, डी ए ई बी सी, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को इस तरीके से करना है मेरे दोस्त, समझ में आ गई मेरी बात, सभी के समझ में आ गई ना, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर चलते हैं अगली क्लास में। चलिए दोस्तों आ जाओ मैथ्स वाली क्लास में, आ जाओ सभी।
अभी विमल जी क्लास का टाइम ज्यादा हो गया, 8:05 हो गई, उसमें मैथ्स वाली क्लास में बच्चे वेट कर रहे हैं। कल की क्लास में वर्ड फॉर्मेशन बताएंगे, तब और बता देंगे, ठीक है ना? ओके।